चलिए ताली। वाह, धन्य भाग जो आप इस चीज को हमने हम याद दिला दिया। भाई को तो याद दिला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज दरभंगा जिला में भाई वीरेंद्र पहुंचे। भाई वीरेंद्र के स्वागत के लिए दरभंगा के सभी राजद कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इस बीच बहेरी के प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार की बात करें, जो राजद के कदावर नेता हैं, नीतीश कुमार भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी स्वागत सम्मान किया भाई वीरेंद्र का भोला यादव के यहां पहुंचकर। आपको बता दें कि साथ ही जो वशिष्ठ नारायण हैं, उन्होंने बहेरी के प्रखंड अध्यक्ष राजद के, वो भी यहां पर स्वागत सम्मान में पहुंचे हैं। उनको भी आपको दिखाएंगे, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो भी हम आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे। इससे पहले अजय चौधरी जो बेनीपुर के विधायक हैं वो पहुंचे, साथ ही भोला यादव के सभी के यहां जो कार्यकर्ता हैं या फिर अलग अलग जो गठबंधन में खासकर जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों को आप देख सकते हैं यहां स्वागत सम्मान से पहले, यहां देख सकते हैं नीतीश कुमार से हाथ मिला रहे थे भाई वीरेंद्र। साथ ही आपको बता दें कि यहां एक आज खास वाकया अलबेला है। भाई वीरेंद्र ये सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र का जब स्वागत सम्मान नहीं हुआ और बिना पाग के ही वापस वहां से वो जा रहे थे, उसके बाद भाई वीरेंद्र ने खुद भोला यादव से मांग लिया कि मुझे पाग चादर तो पहनाया ही नहीं, मिथिला में आया था। उसके बाद तुरंत ही भोला यादव ने फिर पाग चादर मंगवाकर भाई वीरेंद्र का स्वागत सम्मान किया। इस बीच हमारा एक सवाल था, हमने ये पूछा कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश सीएम बने हैं ऐसा भाई वीरेंद्र ने कहा था, उसको लेकर हमने सवाल किया। अब भाई वीरेंद्र ने साफ कर दिया है कि यहाँ अशोक चौधरी ने जवाब दिया कि उनका ये बयान गले से नहीं उतर रहा है। मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश को विकास पुरुष बताया है, जिसके बाद अब दरभंगा पहुंचे भाई वीरेंद्र अपने दिए बयान को लेकर पीछे हटते नजर आए। कहा कि हमारे दिए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अशोक चौधरी के दिए बयान पर कहा कि मैं किसी टिक्का टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता हूं। महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव बड़े हैं, उनका आशीर्वाद सरकार पर तो है ही, हमारा उस तरह का कुछ कहना नहीं है। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं। मकर संक्रांति के मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव के आवास पर चूड़ा दही के भोज में सभी लोग पहुंचे हुए हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं नीतीश कुमार और सभी लोग जो आए हुए उनका। यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पार्टी हैं, हम लोग छोटे भाई भी हैं, जब ये पढ़ते थे तभी से हमारा रिश्ता इनसे है। हमको अच्छा लगा क्योंकि पहली दफा मैं आया हूँ, हालांकि इनको दही चूड़ा के साथ पाग और चादर का भी स्वागत करना चाहिए था, लेकिन मैं पहली दफा आ रहा हूँ। आपका जो बयान था कि लालू जी के कृपा से नीतीश कुमार सीएम बने, उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा है कि भाई वीरेंद्र का जो बयान है वो गले से उतर नहीं रहा, क्या कहना चाहते हैं? असल में है क्या कि कौन क्या कहता है इसके फेरे में मैं नहीं रहता। हाँ। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, और हमारा कुछ इस तरह का कहना नहीं, लोग उसको तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे चला रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव उम्र में बड़े हैं और राजनीतिक अनुभव भी उनको ज्यादा है, तो उनका आशीर्वाद तो हम सब पर रहता है। और महागठबंधन बना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बाद में उसमें समाहित हुआ महागठबंधन में, तो बड़े भाई की भूमिका में आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उसमें कहां दो राय है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र का बयान गले से उतर नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ना, हमको किसी के बयान का प्रतिक्रिया नहीं देना है। नेता हमारे हैं नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का दांते नहीं टूटा दूध का अभी तक। कौन भाजपा? बड़का झूठा पार्टी की बात कर रहे हैं? बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसका कोई जवाब होगा क्या? पर आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आज चूड़ा दही का भोज है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भोला बाबू के यहाँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चूड़ा दही का भोज रखा हुआ है, उससे ज्यादा खुशी है कि कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। अच्छा, हम लोग को उल्लास है, यहीं से चुनाव की जुगजुगी पिटाएगी और हम लोग एक साथ। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खास है यहाँ पर? सभी लोग मिलजुल रहे हैं, सभी आरजेडी कार्यकर्ता है, सभी जाति वर्ग से ऊपर उठ कर के लोग भोला बाबू के यहाँ दही चूड़ा भाग ले रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी क्या हो। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव, प्रमुख प्रतिनिधि बहेरी। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में? आज जो कार्यक्रम हुई है तिला संक्रांति मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। आज पूरे दरभंगा जिला में सभी समुदाय के लोग बड़ी भारी संख्या में जो है इसमें भाग लिए हैं, खास करके भोला यादव जी के द्वारा जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आज जो है पूरे दरभंगा जिला के लोग
उन पर जो है सो बहुत ही विश्वास करके बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिए हैं, जिसमें बाहर प्रखंड से राष्ट्रीय जनता दल के लोग बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में इसमें भाग लिए। कैसा लग रहा है जब चूड़ा दही खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं? ये बहुत ही एक अच्छा महसूस हो रही है, लग रहा है सभी लोगों का, सभी समाज का, सभी वर्गों का समागम जो है जैसे लग रहा है। क्या देंगे संदेश दूसरे विपक्षी पार्टी को? आज का जो ये कार्यक्रम है यह निश्चित तौर पर इंगित करता है जो आने वाला 2024 में राष्ट्रीय जनता दल का जो दरभंगा जिला में प्रदर्शन होगा वो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा और सबसे अव्वल रहेगा। क्या नाम हुआ? वशिष्ठ नारायण यादव, प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष बहरी। आप लोग खाना खा के जाइएगा। ओ सुनिए आइए सर बाबू, धन्यवाद। लिखा हुआ था जाने जाने के लिए। भाई लोगों को नीतीश जी।